हेलो गाइस, कैसे हो सब? तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं देखो आसाम में हूँ, आ गई हूँ। मुझे कल आई थी मैं, तो सेकंड डे है मेरा। तो ये देखो कुछ ऐसा है आसाम। तो अभी खाली खाली है क्योंकि दोपहर हो रही है अभी। तो अभी सब काम पे हैं, कुछ घर में हैं, तो वही कोविड की वजह से वैसे कम ही बाहर निकलते हैं लोग। तो ये देखो यहाँ से ये रास्ता है, और ये जो गली है ये अंदर देखो, कल बारिश हुई थी इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश हुई थी तो पानी भर गया है। और ये इधर गली है और फिर ये किधर की साइड है। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने मार्केट की साइड, कुछ खाने पीने देखते हैं क्या मिल रहा है क्या नहीं है। तो मैं दिखाऊंगी आपको सारा कुछ यहाँ पे। तो इससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। तो मैंने मास्क लगा रखा था, अभी मैंने मास्क हटा दिया है, हाथ में ले लिया है। तो यहाँ का व्यू दिखाती हूँ आपको, देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, बहुत अच्छा। इतने अच्छे अच्छे घर हैं यहाँ पे, और सबके ना कलरफुल घर हैं, और सबके मोस्टली आपको यहाँ पे ना टीन से घर दिखेंगे, जो टीन होती है उससे दिखेंगे। तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो मैं भी दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे जो घर है ना ये बन रहा है, और मोस्टली आपको ना यहाँ पे ये जो नारियल का पेड़ होता है ये आपको दिखेगा, सबके घर में दिखेगा आपको ये। और ये नीम है, और देखो अभी ये बन रहा है। और यहाँ पे ये पीजी है, जैसे स्टूडेंट वगैरह होते हैं ना उनके रहने के लिए पीजी, हॉस्टल टाइप जो होता है वो है ये आसाम का। तो गर्ल्स हॉस्टल है ये, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ का गर्ल्स हॉस्टल है। तो ये देखो कितना अच्छा है यहाँ। तो ये मेरी बुआ का घर है पीछे, तो वहाँ से अभी आई हूँ मैं, जस्ट वहीं पे ये गर्ल्स हॉस्टल है, और मतलब जो भी स्टूडेंट वगैरह रहते हैं उनके लिए है। और ये है, और ये आपको दिख रहा है ना ये बड़े बड़े से, ये सुपारी के पेड़ है। तो यहाँ पे ना सुपारी के पेड़, नारियल के पेड़ और चाय पत्ती, ये सारी चीज़ें आपको बहुत मिलेंगी। तो ये देखो ये यहाँ पे खड़ी है काफ़ी देर से, और ये देखो ये मस्ती कर रहा है भतीजा मेरा, और ये बुआ है, उनकी पोती है ये छोटी सी। और ये देखो कलरफुल, बहुत अच्छा, मतलब इतना दिमाग लगा के कलर करते हैं ना कि इतना सुंदर, इतना अच्छा लगता है। तो ये देखो देखो इसमें फ्लावर हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, कलरफुल रेड रेड से है। देखो चिड़िया चींची कर रही है, इतनी शांति है ना यहाँ पे, बहुत शांति है। देखो अभयपुर टाउन है, न्यू बोंगाई गांव से ये 30 मिनट्स लगते हैं यहाँ पे आने के लिए। तो जो मेरी बुआ रहती हैं शहर में रहती हैं, शहर है पूरा, सामने कॉलेज है, उसमें मेरी बुआ जॉब करती थी। अब उनकी बुआ ख़त्म हो गई मेरी 2019 में, तो अब उनकी बेटी करती हैं, दीदी करती हैं जॉब। तो देखो चिड़ियाँ चींची कर रही हैं, बहुत अच्छा व्यू, मतलब कुछ है वहाँ पर, आवाज़ आ रही है, मैं दिखा वहाँ पे कुछ आवाज़ सी आ रही है, चिड़ियाँ चींची कर रही हैं वहाँ पे। देखो यार यहाँ पे ना धूप बहुत तेज है, मतलब देखो मैंने की पहन रखा, और जब मैं दिल्ली से आई थी चार्जर पहन के आई थी, तो यहाँ पे देखो ये पूरा जंगल टाइप का है, बट इसमें भी घर हैं बीच बीच में। तो यहाँ बहुत गर्मी सी है, मुझे तो पसीने आ जाते हैं। बाबू की वीडियो बनाऊंगी, क्या हो गया, आसामी आती है, बोलना बाबू बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है क्या हो गया इसके सारे बाल कर लिए। इधर आ जाओ बाबू, साइड में आ जाओ बेटा, साइड में आ जाओ, साइड में। हाँ इसको घुमाने के लिए लाए हैं। पापा को कोई मिल गया, तो पापा बहन और वहाँ पे हैं, वो आ रहे हैं वहाँ पे, उनको जान पहचान के मिल गए थे कोई, वो तो वहाँ पैसा मिला, तेरी जेब से गिरा था ये। Thank you.
ये बेर तोड़ के दिया पापा ने, ये बेर देखो बहुत खट्टे हैं बेर। ये वो कॉलेज है जो मैं आपको बता रही थी, इसमें मेरी बुआ काम करती थी, जॉब करती थी, अब इसमें दीदी करती है, ये वो कॉलेज है। आसामी में भी लिखा है, इसमें इंग्लिश में भी लिख रखा है। ये खेत है, इसमें पापा हल चलाते थे। खेत है ये पूरा, अभी भी खेत है, अभी भी खेत है, इसमें अभी भी मछली है, इसमें इसमें बड़ी बड़ी मछली है। किस चीज के हैं ये पौधे? कस्तूरी पौधे हैं। पता नहीं क्या होता है, पानी में होता है, पानी में है तो बीच में पानी है, इसमें मछली है, पानी है पूरा। नीचे दिखाती हूँ, वहां से वहां तक इसमें पूरे बड़ी बड़ी मछली होती है। यहाँ कपड़े सूख रहे हैं लोगों के। ये देखो घिया, गोल वाले भी हैं। घिया पापा गोल वाले भी हैं, नहीं गोल वाले भी हैं मम्मी। विजय ना गुबला, ये घिया है छोटे से। ये इसमें मेरी मम्मी ने मछली मारी थी पहले, पापा मैं सब मछली मारते थे। तो देखो कितना ज्यादा है, ये पानी है नीचे इन सब में, और इसमें मछली मारते हैं। ये देखो वहाँ तक पीछे तक दिखाते हैं, देखो पहले पानी भरा रहता है, पानी भरा रहता है इसमें। कूद के देखो, दलदल है, फंस जाएगी इसी में, पूरा ये दलदल है, देखो सांप वगैरह सब। ये देखो ये इसमें भी नीचे, यहाँ से देखो इसमें भी नीचे मछलियाँ होंगी। ये घर, ये इधर की साइड घर है, और ये इधर की साइड घर है, और ये बीच में पानी पानी सा है। बीच में हमारी बुआ ने घेर रखा है अपनी बेटी के लिए, ये बीच में बुआ ने इतना कवर कर रखा है, ये बुआ की हमारी जमीन है इतनी कवर कर रखा है। और देखो मतलब इन सब हरियाली के बीच में घर है, तो हम तो ना रह पाएंगे। तो फ्रेंड्स दिखाए मैंने आपको इधर मछली, इधर मछली, तो यहीं से मछली मारते हैं, शाम को उसी का पकवान बनता है। और देखो उधर से हम घूम के आए थे, तो इधर से जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे लोग रहते हैं, हम जैसे नहीं रह पाएंगे। तो देखो क्या है, बरगद का। वाव, तो ये देखो बहुत पुराना है ये पेड़, मतलब ये माता का माना जाता है, इसको काट नहीं सकते। तो देखो बहुत सुंदर है, ये सखा देख हो गई है, ये देखो हो गई है। हाँ ये देखो ना पापा, हाँ देखना, ये तो देखने की है भी कैसा ना, हाँ यही तो देखने की होती है, और क्या है। हाँ ऐसा लग रहा पेट है ना, हाँ पेट है, वहाँ चिपट गया, हाँ है ना, मतलब ऐसा खड़ा होता है ना वो, नहीं हाँ डेंजर सा लग रहा है थोड़ा नहीं लेकिन डेंजर नहीं, अच्छा है यार। किधर देख रहे हो, जय माता दी। वहाँ पे वो मंदिर है, यहाँ पे पूजा होती है। बोलो जय माता दी, यहाँ पे ये क्या है, ये मंदिर है, ये भी मंदिर है,
मंदिर है ये सारा। हाँ मंदिर बहुत मिलेंगे आपको, ये मंदिर है। जयो जो भी भगवान होते हो। दो दुकान है ना? दुकान है इसमें। हाँ। दो भाई एक ही है। वापस आ गए हम।